हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पे नॉलेज सेंटर। तो हम पढ़ा रहे थे आपको सारे टॉपिक वाइज पूरा हिंदी का। तो आज है टाइम पर्यायवाची का, तो पर्यायवाची हम करेंगे। टेस्ट नंबर 43 है। इसके पहले बहुत सारे टेस्ट करवा के हैं, जो मैंने बता दिया है कि मैं 100-150 क्वेश्चन टेस्ट तो करवा दिए गए हैं। बाकी पड़े हुए नंबरिंग ये है, और एग्जाम तक 60 टेस्ट हो जाएंगे। दिन भर में बहुत 3-4 टेस्ट आपके रोज आ रहे हैं, तो उसको प्लीज एंजॉय करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। हेलो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट नंबर 43। तो कि आरओ यारो का मतलब छठवां टॉपिक जो आपका सिलेबस में है वो पर्यायवाची, उसको करेंगे। इसके पहले 5 करवाए गए हैं, तो हम स्टेप बाई सारे चलेंगे। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी समान पर्यायवाची शब्द दर्शाए गए हैं? तो वो है निषेध, प्रत्याख्यान, अनंगीकरण। अनंगीकरण के लिए पर्यायवाची शब्द इनकार, अस्वीकृत, निषेध, नकार, खंडन, प्रत्याख्यान, निर्वतन, प्रत्याख्या, अनंगीकार और अस्वीकार है। दैत्य का पर्यायवाची है तो दैत्य का होता है रजनीचर। असुर के पर्यायवाची हैं दैत्य, दावन, नव, राक्षस, रजनीचर, दनुज, रात्रिचर, जातुधान, तमिचर और मायावी, सुरही और निश्चित और मनुजाद। चोर के पर्यायवाची हैं धनक, रजनीचर, तस्कर, मौसक, कुंभिल। और ब्राह्मण के पर्यायवाची द्विज, विप्र, अग्रजन्मा, पंडित, भूसुर। और द्विज के पर्यायवाची पक्षी, दात, ब्राह्मण, गणेश। यज्ञसेन के किसका पर्यायवाची है? अग्नि यज्ञसेनी है द्रौपदी का। द्रौपदी के और पर्यायवाची हैं कृष्णा, पंचाली, द्रुपद, सुता, यज्ञसेनी, सैरंद्री और द्रुपद सुता। ठीक है। और राधा के हैं वृषभानुजा, वज्ररानी, कृष्णप्रिया, हरिप्रिया, वृषभानुनंदिनी, राधिका, वृषभानु दुलारी, सर्वेश्वरी। चंडिका दुर्गा का पर्यायवाची चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, महागौरी, कलिका, शिवा, चामुंडा, चंडा, सुभद्रा, कामाक्षी, काली, अम्बा, तेरावली, ज्वाला, गौरी, सिंहवाहिनी, नारायणी, भगवती, महामाया, शक्ति, दुर्गे और दुर्गस्ती समनी और दुर्गा पद्नी वारणी और दुर्गम छेदनी और दुर्ग साधिनी और दुर्गनाशिनी और दुर्गत्तु धारणी और दुर्गन दुर्गन निहंत्री और दुर्गमापहा और दुर्गम ज्ञानदा और दुर्ग दैत्य लोका दवानला अभया दुर्गमा दुर्गमा लोका और दुर्गमा दुर्गमा स्वरूपुणी और दुर्गमा प्रदा और दुर्गमा विद्या और दुर्गमा स्त्रिता और दुर्गम ज्ञान स्थाना और दुर्गमोहा। बहुत सारी हैं, देख सकते हैं आप। लक्ष्मी का है कमला, सिंधु, सुधा, रमा, इंद्रिया, हरि, प्रिया, चंचला, चपला। ये याद रख लीजिए, पृथ्वी का इसी में से जुड़ता मिलता जुलता आ जाता है। चंचला, चपला, विष्णुवल्लभा, श्री पद्मा, पद्मासना, चिरोदयना, लोकमाता, भार्गवी। भार्गवी भी होता है लक्ष्मी जी का, इंदिरा भी होता है, समुद्र समुद्रजा, विष्णु प्रिया, कमलासन, कमलालय, पद्यानन और चरोदा और विष्णुलभा और सिंधुजा और पद्मासेनी, चिरोद, तनया, सरोद। अगला पर्यायवाची शब्द के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असुमेलित वाक्य पहचानिए। तो इसमें निर्जन अकिंचन, निर्धन अकिंचन और घमंडी प्रगल्भ, अब प्रकाश का रोशनी, ब्रह्मा का महेश्वरी, ये जो है असुमेलित है। महेश्वरी के पर्यायवाची हैं ब्राह्मण, महिदेव, वाडव, द्विज, भूमिसूर, द्विजाति, विप्र, भूसूर, अग्रजन्मा, भूदेव, भूमिदेव। ब्रह्मा के हैं आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, हिरण्य गर्भ, लोकेश, विधि विधाता, विरंजी, विधना, सृष्टा, प्रजापति, अज, कमलासन, हंसवाहन, करतार, अंडज, नाभिजन्मा, सदानंदा, गिरापति और धाता और सूर्येष्ठ और परमेष्ठि और सृष्टा और अब्ज योनि, गर्भकर्ता, सृष्टिकर्ता और गिरापति, चतुर्मुख, नाभिज, पद योनि और रजोमूर्ति धाता। 10वां है, निम्नलिखित में शब्दों में से निम्नलिखित 3 शब्द पर्यायवाची की दृष्टि से समान है जबकि एक असमान है। असमान शब्द की पहचान कीजिए। तो असमान है वृषभानुजा, तो राधा का है वृषभानुजा, वज्ररानी, कृष्णा प्रिया, हरिप्रिया, वृषभानुनंदिनी, राधिका। सीता का है जानकी, वैदेही, जनक, सुता, जनक तनया, जनक जनकात्मजा, अविनिजा और अवनी सुता और मैथिली और उर्विजा, महिसुता और राम प्रिया, भूमिजा और आयोनिज और जनक दुलारी शिया।
कौन सा शब्द तरंग का पर्यायवाची नहीं है? तो तापस तरंग का पर्यायवाची नहीं है, उर्मि उल्लोक विचि है। तापस तरंग का पर्यायवाची नहीं है, ये साधु का पर्यायवाची। साधु के अन्य पर्यायवाची है मुनि, महात्मा, संत, बैरागी, तपस्वी, सन्यासी इत्यादि। उर्मि उल्लोक व विचि तरंग के पर्यायवाची है। अगला है, सत्वा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प शीर्ष तीन से पर्यायवाची नहीं है? कवि वनिता, तनुजा, रमणी। तो ये तनुजा नहीं है, रमणी ललना सब है। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है जबकि शेष नारी के पर्यायवाची, वनिता, रमणी, ललना। तो नारी के पर्यायवाची नारी का, नारी, महिला, वनिता, ललना, रमणी, स्त्री, कामिनी, औरत, उपला, ती, बाभा, काम्या, सौम्या, भाविनी, अंगना, कलत्र, तरुणी, त्रिया, तमदा, भानित्री, बारा, तन्वगी। झंडा का पर्यायवाची ज्ञात कर, धंजा का पताका होगा, पतंग, अगम, पता, पखाना नहीं होगा। पताका झंडा का पर्यायवाची, इसके अन्य पर्यायवाची ध्वजा, पताका, केतु आदि। वृक्ष के पर्यायवाची तरु, अगम, पेड़, पादप, विटप, गाछ, दरख्त, साखी, विटप, धूम। पतंग के पर्यायवाची हैं सूर्य, पक्षी, टिड्डी, पतिंगा, नौका, नौका, गुड्डी। मतलब पतंग के हैं सूर्य, पक्षी, टिड्डी, पतिंगा, नौका, गड्डी। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य के पर्यायवाची है? तो वह है विहान। विहान सूर्य का, सुबह का पर्यायवाची है। और बाकी परमिल, सुरभि, मनोरम, ये सूर्य के पर्यायवाची। तो परमिल, जो परमिल का अर्थ सुगंध होता है और इसका मतलब होता है मीठी गंध, और सुगंध का होता है खुशबू, सुरभि, सौरभ, सुहास, तर्पण, सुगंधि, मदगंध और महक। निम्नलिखित में से पर्यायवाची के अनुसार कौन सा मेल गलत है? तो संतान का सतति, शिव का मदनारी, विष्णु का त्रिपति, कमल का वासर। तो ये जो है गलत है, कमल का वासर नहीं होगा। तो कमल वासर का मेल गलत है। वासर दिन का पर्यायवाची ना कि कमल का है। दिन के अन्य पर्यायवाची वासक, दिवस, दिवा, अन, अरि, हर, अर, वार। और कमल के पर्यायवाची राजीव, अरविंद, सतलज, अंबुज, सरजीत, नलिन, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, चलज, कंज, पुंडरिक। और वसुंधरा के पर्यायवाची शब्द है तो है क्षिति। तो वसुंधरा का पर्यायवाची क्षिति है। तो अन्य पर्यायवाची धारा, पृथ्वी, भूमि, धरणी, अचला, वसुंधरा, अचला, मही, वसुधा, रत्नवती, रत्नगर्भा। समुद्र का है जलधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदित, नदी, परागवार, परिधि, पयोधि, अरवज, निधि, तोयधि, वन निधि, वरिष, कपति, अबिंदु, अभिनाथ, अभिनिधि, अबुराशि, अम्बुपति, अम्बोनिधि, अम्बोराशि, अब्धि, क्षीरधि और झील निधि। मतलब ज़्यादातर यहाँ पर धी आएगा लास्ट में, तो उसे समझ जाइएगा पर समुद्र का पर्यायवाची है। चंद्रमा का है चांद, चंद्र, हिमकर, विभाकर, सुधांकर, सारंग, शशि, सारापति, रजनीश, असुमाली, मयंक, इंदु, निशाकार, तार, केश, विदु, सोम, सुधांशु, कला निधि, मृगान, शशांक, रजनीपति, रजनीचर, रजापति, शशि, ओषधीश, हिमांशु, राकेश, सकापति, द्विराज और छपाकार, नक्षत्रेश, अर्जुन है, निशानाद और सुधांशु, विष, बहुत सारे हैं। और कालधार, और एक कालधार इंपॉर्टेंट, कलाधार और कुमुद बंधु, कुमुदिनीपति, छपानाथ और ग्रहराज और छायांक, तमोर, ये सब है। मोर का होता है मयूर, केकी, सिखी, वरही, कलाधार, कलपी और कलकंठ, नीलकंठ, सारंग, भुजक, भूक, सिखावल, चंद्रकी, मेघानंदी, शिखंडी, अविभज्जी और शिव सुतवाहन, मेहप्री और सीतापांग और भुजंगांतक और नर्तक प्री और वही वहिर और ध्वजी और भुजगारी और हरि, भुजंग भोजी और भुजंगातक। तो सब पर्यायवाची दृष्टि से कौन सा एक वर्ग अशुद्ध है? तो वह है ज्ञानी, मनुज, मनोहर, मानक, आदर्श, प्रतिमान, सही, मरकट, कपि, कीस और महावत, हाथिनी, अभिलावन। तो अशुद्ध ज्ञानी विद्वान का पर्यायवाची, मनुज मनुष्य का पर्यायवाची और मनोहर सुंदर का पर्यायवाची है। ज्ञानी का सुविद्य, विद्वान, अलिम, ज्ञानवान, विवेकी होता है। मनुज का होता है मनुष्य, आदमी, मानव, नर, मानुष। और मनोहर का होता है प्रियदर्शी, सुंदर, रमणी, ललित, मंजुल। युवती का पर्यायवाची है प्रमदा, रमणी, तुरड़ी। तो सभी के सभी होंगे। किशोरी, तरुणी, श्यामा, बाला, कुमारी, रमणी, यवनवती, सभी युवती के पर्यायवाची हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सूर्य का पतंग होता है। पतंग का सूर्य का पर्यायवाची है। और सूर्य के अन्य पर्यायवाची हैं रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, दिनमणि, आदित्य, सावित्य, तरड़ी, मरीची, तेजो राशि और अंशुमाली इत्यादि। पतंग के अनेकार्थी शब्द हैं सूर्य, पक्षी, टिड्डी, पतिंगा, नौका, गड्डी। नैसर्गिक पर्यायवाची है तो नैसर्गिक का प्राकृतिक होगा। और 16वां है पर्यायवाची की दृष्टि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पैर, पाद, रुधिर, लहू, आँख, अच्छी और बादल, तोयधि। तो यदि समुद्र का होता भी बताया मैंने, थी जिसमें आ जाएगा समुद्र का होगा। तो पर्यायवाची है अब्रधर, मेघ, जलद, जलधर, वरिधर तथा बलाधर।
समुद्र का जरधि, सिंधु सागर, रत्नाकर, उलधि, उन्नीस, बहुत सारा पयोधि भी होता है, तोयधि भी होता है। इसके पहले मैंने मतलब आया है इसका पर्यायवाची। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक प्राची का पर्यायवाची है? तो प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है और प्राचीन प्रकृति प्रज्ञा नहीं होता है। कमल का पर्यायवाची तमरस, सोमरस, जलद और अंबुज, अंबु, तो ताम्रस होता है। तो कमल का पर्यायवाची ताम्रस है और ताम्रस के अनेक पर्यायवाची हैं, कमल, सोना, तांबा, धतूरा। और कमल के अन्य पर्यायवाची पद्म, अरविंद, राजीव, सतदल, अंबुज, जिसमें ज आ जाए वो ज्यादातर वो हो जाएगा कमल का। सो पुष्कर, नलिन, नीरज, जा गया पंकज, आ गया सरोज, आ गया जला, जा गया कंज, आ गया पुंडरीक, आ गया कमल के हो गए। और बादल के हो गए पोयद, जिसमें द आ जाए, जैसे जलद, जलद, नीरद, तोयद, बादल और मेघ और पयोधर और जलधर और अब्द और वलाहक और कंद, अभ्र, घन, परपुरैन, परिवाहन, तड़वी, त्वान और सारंग, जीवत और भूख है, भूख है। जल का है नीर, सलील, उदक, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, पय, मेघ, पुष्प, पानी, जीवम, पुष्कर, सारंग, रस, पात, क्षीर, धनरस, वसु, अम्ब, संबर, अमृत, पानी, आप। तो अश्व का पर्यायवाची है तुरंग। तो तुरंग रसों का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची तुरंग के है घोड़ा, तुरंग, हरि, घोटक, बाजी, धनदव आदि। और करंग के अनेक हैं, हिरण है, नीला है, बंदरंग है। हाथी का है गज, हस्ती, दीप, बारट, वसुंदर, करी, कुंजर, दंती, कुंभी, बतुंडा, मथंग, नाद, द्विरध, सिंदूर, गयंद, कलब, सारंग, मतगंज, मातंग, हरि, वज्रदंती, सुंडाल। और भवरा का है मधुप, भ्रमर, अली, मधुकर, खटपद, भृंग, चंचरीक, सीलीमुख, मिलिंद और मरिंद और मधुलोभी और मकरंद, द्विरेप, मधुवत, मधुसिंह, अलिंद, मधुराज, मधुभच्छी, मधुमक्खी, मधुली, मधुबामन, भावरा। बंदर का पर्याय है नहीं है तुरंग। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है ना कि बंदर का, अतः प्रश्न अनुसार भी सही है। और चलिए अगला देखेंगे, नंदलाल किसके पर्यायवाची हैं? तो नंदलाल कृष्ण के हैं, सभी को पता होगा। और कृष्ण के अनेक और पर्यायवाची हैं, कन्हैया, गोपाल, श्याम, केशव, द्वारकाधीश, द्वारकेश, वसुदेव आदि। धनंजय के हैं अग्नि, अर्जुन, नाग। और पर्यायवाची की दृष्टि से एक युगमा शुद्ध है, पहचान कीजिए। सार में कुत्ता का होता है, बेसर गधा का होता है, रंभा स्त्री, तो रंभा जो है केला का होता है ना कि स्त्री का होता है। केला का कदली होता है, भानुफल, रंभा, गजवसा, कुंजरा, सरा, मोचा और रंभा फल और मनुफल होता है। कुत्ता का होता है श्वान, सुनक और गंडक, कुकुर, स्वजन, सार में स्वा, कुकुर, सोनाहा, विकारी, कुकुर, मिघारी, सनु। और गधा का होता है गधा, खर, गर्धव, रासव, वेशर, चक्रीवान और वैशाख नंदनम। और होता खुर, लंबकर्ण, शंखकर्ण, शीतलावाहन और रासव। और केस का है बाल, सिरोरु, कच, कुंतल, चश्म, चिकुर, अलक, जटा, जुट, जटा, गेसु, पास, अलके, जूड़ा, लट, वेड़ी, मोचक, पश्म, काकुल। और निर्जर व गिरवाड़ किसके पर्यायवाची हैं? तो वह है देवता के। निर्जर व गिरवाड़ दोनों ही शब्द देवता के पर्यायवाची हैं। देवता के अन्य पर्यायवाची हैं देव, अमर, सुर, आदित्य, त्रिदस, निर्जर, अदिति, नंदन, गिरवाड़, अमर्त्य, अदिते, अजर, विभुद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कबूतर सॉरी निम्नलिखित में कौन सा शब्द कबूतर का पर्यायवाची है? तो वह परावत। पारावत कबूतर का पर्यायवाची, कबूतर के अन्य पर्यायवाची कपोत, हारिता, परेवा, परावत, रक्तलोचन। और कलत्र किसका पर्यायवाची? कलत्र है पत्नी का, कलत्र पत्नी का है। पत्नी के अन्य पर्यायवाची अर्धांगनी, दारा, प्रणीता, वामांगना, अंकसायनी, प्राण प्रिया और प्रवल्लभा और प्राणेश्वरी और सहधर्मिणी और जोरु, गृहिणी आदि। इंद्र का पर्यायवाची है दैवेश। तो इंद्र के अन्य पर्यायवाची हैं विडोज, मधवा, देवेंद्र, सुक, अमरेश, देवराज, अमरपति, सूरपति, सचिपति, सुनासीर आदि। कुबेर के हैं यक्षराज, धनेश, धनेश्वर, किन्नरेश, धनाधिप, श्रीद, जनेश्वर, यक्षपति, राजराज, धनद, धनपति, अलंकेश, धनपाल। और विष्णु के नारायण, केशव, उपेंद्र, माधव। और त्रिलोचन के किसके शब्द, किस विशेष शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो किसी अंग विशेष का। विलोचन आँख का पर्यायवाची, अंत प्रश्नानुसार किसी अंग विशेष का पर्यायवाची हुआ। और आँख के हैं नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छी नजर, दृष्टि, विलोचन। मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? तो मदन सलाका है कोयल का। तो मदन सलाका कोयल का पर्यायवाची, कोकिला, पीक, बसंत दूत, श्यामा, काक, पाली आदि कोयल शब्द के पर्यायवाची हैं।
और दिए गए विकल्पों में से पर्याय दृष्टि से विषम कौन है? तो कानन, गैर, विपिन, अरड़े। तो गैर है। कानन, विपिन, अरड़े तीनों ही जंगल के पर्यायवाची हैं। गैर इस समूह से भिन्न है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग अशुद्ध है? तो लोकोत्तर, स्वर्गीय, अलौकिक। और दुग्ध गोरस पीयूष है, क्षिप्र, छुति, तृप्ति। तो ये जो है सदशुद्ध है। क्षिप्र का अर्थ है शीघ्र, चंचल, द्युति का अर्थ है चमक, और तृप्ति का अर्थ है तृप्त होना। और प्रसून शब्द का पर्यायवाची वृक्ष, पुष्प, और तो यह है पुष्प का। प्रसून पुष्प का पर्यायवाची, पुष्प के अनेक अन्य पर्यायवाची कुसुम, सुमन, मंजरी, हूप, लतान, प्रसुमन। निम्नलिखित में से कौन शब्द पर्यायवाची है? कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? तो वह है राधा रमण, कंस, निकंदन। तो ये जो है ये पर्यायवाची हैं। तो बादल नीरद है, नीरज का कमल है, और अचिर का नवीन है, अचर का है न चलने वाला, अबुद्ध का समुद्र है। और तरंग किसका पर्यायवाची? तरंग है उर्मी का। तरंग उर्मी का पर्यायवाची, विची लहर का है, डहर इसके अन्य पर्याय है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? तो वह बी, अब्र, सूर, कैवल, देव। तो इसमें अब्र आकाश का है, सूर देवता का है, सब अलग अलग है। निम्नलिखित शब्दों में सरस्वती का पर्यायवाची पद्मा, गिरा, शैलजा। तो वह है गिरा। तो गिरा सरस्वती का पर्यायवाची, सरस्वती के अन्य पर्यायवाची वागीश्वरी, वाणी, विधात्री, इला, भारती, बीड़ाधारणी, शारदा, वग्देवी, वाचा, महेश्वता, श्रीपदा आदि। पद्मा लक्ष्मी का है, अंग अर्कजा यमुना का है, शैलजा पार्वती का है। पूर्व का पर्यायवाची शब्द है पूर्व का है प्राची। और आशय शब्द का पर्यायवाची है आशय का तात्पर्य है, आशय तात्पर्य है, इसका समानार्थी शब्द है। अभिप्राय है तात्पर्य, आशय विचार मंथन, तव्य उद्देश्य ध्येय, लक्ष्य प्रयोजन, इरादा नियत मनसा मुराद अभिलाषा इच्छा आकांक्षा स्पृहा कामना। मछली का पर्यायवाची है झस। और दिए गए विकल्प में झस मछली का पर्यायवाची, विकल्प मछली के अन्य पर्यायवाची मीन, जल जीवन, मत्स्य, सफरी, मकर। और समुद्र का जलधि सिंधु, सागर रत्नाकर, उदधि, नदीस, परावार, वरिधि, पोयधि, पयोधि, अरड़व, नीरनिधि, तोयधि, और इस धीधि बताया है। तो इस धीधि से बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। मोर है मयूर, केकी, सिखी, वरही, कलाधर का, कड़ापी का, कंठ, कलकंठ का, नीलकंठ का, सारंग का, भुजंग, बुक, शिखाबल का, चंद्रिका का, मेघानंदी का, शिखंडी का, क्षतिपति और अधिपति का। किरण है रश्मि का, मरीचि, मयूर सुख, अंशु, दधीतु, वसु, और ज्योति तृप्ति का है। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो वह है अश्म। अश्म बैल का पर्यायवाची नहीं, अश्म पत्थर का पर्यायवाची, वृषभ, बलिवर्द और गो, ये सब बैल के हैं। पत्थर के अन्य पर्यायवाची पाहन, पासार, सैल, शिला, प्रस्तर, उपल आदि। कामदेव का पर्यायवाची है कामदेव है मदन। तो कामदेव के अन्य पर्यायवाची मनोज, मनमत, मरा, मार, काम, अरंग, मनसिज, करदप, रतिनाथ, रतिपति, मीन, केतु, मदन आदि। इंद्र का पर्यायवाची जयंत, उपेंद्र, इंद्री। और चंद्रमा के चांद्र, चंद्र, हिमकर, विभाकर, सुधाकर, सारंग, शशि, तारापति, रजनीश, अंशुमाली और मयंक, इंदु, निषाद कर और तारकेश, विदु, सोम। और कृष्ण के हैं नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, वनवारी, श्याम, मोहन, बंसीधर। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक शब्द युग्म अशुद्ध है? तो विष्णु अच्युत, मदिरा आसो, यम का आतंक, पानी का पाड़ी। तो पानी के पर्यायवाची नीर, तोय, वारी, तलील, सर, अंबु। और पाड़ी जो हाथ का होता है, हाथ का है। और कर हस्त, पाड़ी, बाहु, भुजा, भुज। सिंह का पर्यायवाची हो जाएगा नखायुध, ठीक है। नखायुध सिंह का पर्यायवाची है। शेष सिंह के अन्य पर्यायवाची मृगराज, वनराज, शार्दुल, केहरी, केसरी, केसी, पत्थुराज। और उरग सांप का पर्यायवाची, सांप का कलापी मोर, तथा मलनारी शिव का पर्यायवाची है। विप्र किसका पर्यायवाची? विप्र है ब्राह्मण का। विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची, ब्राह्मण के अन्य पर्यायवाची हैं विप्र, महिदेव, द्विज, भूदेव, महिषूर, भूसूर, वाडव, भूमिदेव। बच्चा का पर्यायवाची है बच्चा का वस हो जाएगा। और शिशु का हो जाएगा बालक, बच्चा, बाल, लड़का। और बालक हो जाएगा शिशु, बच्चा, सावक, लड़का, सुत, कुमार। पुत्र का हो जाएगा अंगज, बेटा, लड़का, सुत, सुहन, अत्मज और तनुज, तनय, नंदन, लाल, रोम, केस, बाल, वस, पूत, अपत्य, औरस, अलाद, कुमार, छोकरा, छोरा, छोहरा, छोड़, छोहड़ा, जाता, टोडा, पीसर, बालक। रुधिर का पर्यायवाची रसाल, लहू, तो लहू है। लहू रुधिर का पर्यायवाची, रसाल आम गन्ना का है। और समुद्र का जलधि सिंधु, सागर, तत्नाकर, कितनी बार बताया है। वारुड़ी किसका पर्यायवाची? तो वारुड़े है शराब का। वारुड़ी शराब का पर्यायवाची, इसके अन्य पर्यायवाची हैं दारु, सूरा, मय, मदिरा आदि। शिकार का है आखेर, मृग अहेर, शिकारी का बहेलिया, अहेरी, ब्याद, लुब्धक,
ब्याधा, और कोयल का है पिक, कलकंठ, कोकिला, श्यामा, काकपाली, बसंत दूत, सारिका, कुहकुनी, वन प्रिया, सारंग, कलापी, कोकिल, परबोध, और मदन सलाका, और कोयलर, कोयलिया, ये सब है। ददिसार व लवनी दोनों किसे पर्यायवाची हैं? तो वो हैं मक्खन के। ददिसार व लवनी दोनों मक्खन के पर्यायवाची, नवनीत व क्षीरज भी मक्खन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दूध के हैं क्षीर, पय, दुग्ध, कोरस, सरस, स्तन, स्तन्य और पीयूष। और घृत के हैं घी, नवनीत, अमृत, अजय, हव्य, सर्पी, सर्पी, नवनीतज और क्षीरसार और अमृतसार। पर्यायवाचक दृश्य कौन सा एकदम सही नहीं है? तो वाचस्पति बृहस्पति का, कासारी भैंस का है, कंते युधिष्ठिर का है, मेघनाधारी कामदेव का है। मेघनाधारी लक्ष्मण का पर्यायवाची, ना कि कामदेव का। डी सही नहीं है। लक्ष्मण के अन्य पर्यायवाची रामनुज, लखन, शेषावतार, सुमित्रा पुत्र, सुमित्र। कामदेव के पर्यायवाची हैं मनोज, मनमत, काम, मार्ग, अनंग, कंदर्प, मनसीज, मीन, केतु, रतिनाथ और रतिपति, मदन। केस का पर्यायवाची नहीं है कुलिस, कुंतल, कलश व पस्म, तीनों केस के पर्यायवाची हैं। कुलिस इसका पर्यायवाची नहीं है, यह वज्र का पर्यायवाची है। 50वां है, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प पहचानी कौन सा है? तो वह है अंबिका, प्रसूता, प्रसवित्री, तो अर्कजा। अंबिका, प्रसूता, प्रसवित्री तीनों ही माता के पर्यायवाची हैं, जबकि अर्कजा यमुना का पर्यायवाची है। यमुना के अन्य पर्यायवाची जमुना, सूर्यतनया, कालिंदी, भानुजिया, तरड़ी, तनुजा, रवितनया, रविसुता, अर्कजा, सूर्यसुता, अकाल गंगा, कृष्णा, अर्कसुता, तरड़ीजा, रविनंदिनी, सूर्यजा, अर्कजा, रवितनदया, श्यामा, कलिंद, शैलजा और यम भागिनी। और 51वां है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा समूह सही नहीं है? भानुजा, सुरधिनी, निम्नगा, ये सही नहीं है, यामिनी, रजनी, सर्वरी और ये सब सही है। तो भानुजा यमुना और सुरधिनी गंगा का, निम्नागा नदी का और पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची इस प्रकार, यमुना का है जमुना, सूर्यतनया कालिंदी, भानुजा, रवितनया, रविसुता, अर्कजा, कृष्णा। गंगा के हैं भागीरथी, अपगा, त्रिपथगा, देवनगी, देवपगा और नमो नदी और विबुध विबुधा। नदी का है पयस्विनी, तरिणी, स्रोतस्विनी, लहरी, तरड़ी, सरी, तटिनी। और गिरापति किसका पर्यायवाची है? तो गिरापति ब्रह्मा का है। गिरापति ब्रह्मा का है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची अज्ञ, विधाता, प्रजापति, धाता, चतुरानन, प्रजाधीप और निर्माता। और विष्णु का नारायण, केशव, उपेंद्र, माधव, अच्युत, गरुड़, ध्वज, हरि, चक्रपाणि, दामोदर, रमेश, मुरारी, जनार्दन, विश्वाम्भर और मुकुंद और हैं ऋषिकेश, लक्ष्मीपति, विदु, विष्णु, जलसाजी और सारंगड़ी और वनमाली, पीताम्बर, चतुर्भुज, अधिवशत, पुरुषोत्तम, श्रीपति, वासुदेव, मधुसूदन, ये सब हैं। शंकर के महेश, वसुपति, शंकर, चंद्रशेखर, भूतेश, नीलकंठ, श्रीकंठ, धुरजटी, महादेव, त्रिलोचन, रुद्रहर, उमापति, व्योमकेश और महेश्वर, सर्वज्ञ, स्मरारी, भोलेनाथ, शंभु, त्रिपुरारी, देवाधिदेव, कैलाशपति, मदरी नारी और चंद्रमौली भी है इनका। शशिकंठ है, सचिन, गंधार, भूतनाथ, गिरजापति। कृष्ण का नंदक, न मुरली, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, बंसीधर, माधव, नंदलाल, राधा, रमण, कंसारी, हर्षिकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, योगींद्र, यदुनंदन और गोविंद और मुरारी, ये सब हैं। कांतार किसका पर्यायवाची? कांतार जंगल का है। तो जंगल के अन्य पर्यायवाची वन, अरण, विपिन, गहन, कानन, पिटप, कांतार। तो कमल का है कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, बारिश, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद। स्वर्ण का है सुवर्ण, कंचन, हीन, हारक, जात, रूप, सोना, ताम्र, सिरड। तालाब का है सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ांग और पद्याकार और हृदय और सरसी। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो वो है हवा, अनल। अनल जो है अग्नि का है, अनल सॉरी, अनल हवा का नहीं, अग्नि का, सॉरी। और पवन का अनि है वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकमन, समीर, अनिल, बयार, वात, प्रभंजन, प्राण, पवमान, नव प्राण, मृगवाहन, अच्छति, अग्नि सहाय, अजक्त, प्राण, अजीर, अपान, अभूत, अगस्काचार्य। तो सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिएगा, इनमें से एक साथ पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं, उसे चयनित कीजिए। तो पवमान नहीं है, मेदनी, मही, धात्री है। पवमान पृथ्वी का नहीं, ना ये पवमान वायु का पर्यायवाची है, ना कि पृथ्वी का। और पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची भू, धारणी, वसुंधरा, अचला, जमीनी, धरा, वसुधा, धरित्री, रत्नगर्भा, क्षिति, उर्वी आदि है। और किस विकल्प में सभी कमल के पर्यायवाची हैं? तो पंकज, अम्बोज, कोकनद, ये कमल के पर्यायवाची हैं। ताम्र, सरकजा, वाहिनी, कल्पऋतु, गर्दम, कानन,
तो यहाँ पर देखें ताम्रस के अनेक पर्यायवाची हैं, जैसे कमल, सोना, तांबा, धतूरा बोलते हैं। अर्कजा सूर्य की कन्या और यमुना ताप्ती की है, वहीन अगा की है। कमल जो है कंज कज अम्भोज और कोकनद का है। कल्प भी देवदारु, सुरधारु, मंदार, परिजात, कल्पद्रुम, देवभ्रु, सुरध्रुम और कल्पतरु, और आम, अम्र, रसाल, साकार, अमृत फल, अम्बु, सौरभ, मादक और मन मंथालय है। कौशिक के लिए अनेक शब्द, विश्वामित्र, नेवला, उल्लू, सपेरा, इंद्र। और कर्दम के अनेक पर्यायवाची, कर्दम, कर्द, कीचड़, दलदल, पंख, कादो, चहला, खींच, मैल, मूल, कूड़ा। और जंगल का बिपिन, कानन, वन, अरड़, गहन, कांतार, बीहड़ और बिटप है। आकाशगंगा का पर्यायवाची है तो ये स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, तो सभी के सभी हैं। आकाशगंगा के स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी सभी हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। अग्नि का पर्यायवाची धनंजय, मेघपति, विह्वल, कौशिक, तो धनंजय अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि के पर्यायवाची धनंजय, याद कर लीजिए इसको। अग्नि के पर्यायवाची कृषाणु, उतासन, ज्वलन, अनल, दहन, ज्वाला। मेघपति के इंद्र के हैं, विप्लव क्रांति के हैं, कौशिक उल्लू के हैं, और विप्पड़ खिन्न उद्विग्न किसके पर्यायवाची हैं, तो ये हैं उदास के। और कौन सा एक कामदेव का पर्यायवाची है, तो ये है पुष्पन धनवा, ये कामदेव के। कामदेव का पर्यायवाची पुष्प धनवा, पुष्पन धवा है। और कामदेव का पर्यायवाची मनमत, मनमुच, आत्मभू, कदर्पण, अनंग, रतिनाथ, मदन, अधि। कुबेर है यक्षराज, धनेश, धनेश्वर, किन्नरेश, धनाधीप, त्रिद, जनेश्वर, यक्षपति, राजराज, धनद, धनपति, अलंकेश, धनपाल। गणेश के गजानन, हेरम, एक धन, विनायक, लंबोदर, गढ़ाधीप, और विघ्नराज, और गणपति, दैमातूर, और मूसिका वाहन, और गजवर्धन, और विघ्ननाशक, और भवानी नंदन, महाकाय। अर्जुन के धनंजय, पार्थ, कौंतेय, कुंती सुत, और पंडु नंदन, और गुड़ा केश है, गांडी उधार है, किरीटी है, श्वेत वाहन है, विमत्सु, विरजयी है, सत्य सव्यसाची, कपिल ध्वज है, सव्यसाची, धनुर्धर है। अगम और गाछ किसके पर्यायवाची हैं, तो है पेड़ के। अगम और गाछ दोनों ही पेड़ के पर्यायवाची, पेड़ के पर्यायवाची हैं तरु, वृक्ष, पादप, बिटप, ध्रुव। अनुचर है भृत्य, किंकर, दास, परिचारक, सेवक, चाकर, नौकर, परिचर, सेवा दर, परिचायक, अनुग, अनुगामी, अनुपद, अनुयायी, और आज्ञाकारी, सहायक, खादिम है। और अनुयायी है अनुगामी, मतवलंबी, भक्त, अनुकर्ता, अनुगतिक, समर्थन, नौकर, सेवक, अनुचर, चारस, चांद, दास, और पिछलगा, और पिछलगु, पीछे चलना वाला आदि है। मतंग निम्नलिखित किसका पर्यायवाची, देवता का, भव का, पशु का, विशेष का, पशु विशेष का है। मतंग हाथी का पर्यायवाची, ये पशु विशेष का पर्यायवाची है। हाथी के अन्य पर्यायवाची हैं गज, हस्ती, द्वीप, भारड़, वसुंधर, परी, पुंजर, दंती, कुंभी, विदुंडा, मतंग, नाग, द्विरथ, सिंदूर, गयंद, कलप, सारंग, मतगंज, मातंग, हरि, वज्रदंती, सुंडाल। पर्यायवाची की दृष्टि से विषम की पहचान कीजिए, तो विषम है अमी, अमी अमृत का पर्यायवाची, जबकि मरीचि, मयूख तथा अंश तीनों किरण के पर्यायवाची हैं। अमृत के सुधा, पीयूष, अमी, सोम, सुरभोग, जीव, मोदक, अमी, स्मधु, दिव्य पदार्थ, देव, भोज, देवाहर, शशिरास, और समुद्र नवनीत अभी याद हैं। जल के हैं नीर, शरीर, उदक, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, पय, मेघ, पुष्प, पानी, वन्य जीवन, पुष्कर, सारंग, रस, अपात, क्षीर, धनरस, वसु, अम्ब, संभर, अमी, अमृत, पानी, अप है। अमृत के अन्य पर्यायवाची सुधा, जल, अमर, सुंदर है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन चंद्रमा का पर्याय नहीं है, तो प्रभा का चंद्रमा का पर्याय नहीं है। और तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें उदधि तालाब का नहीं है, सर कसार जलाशय है। उदधि समुद्र का पर्यायवाची, इसके बारे में मैंने बताया, धी जहाँ आ जाए समुद्र का हो जाता है। तालाब है सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखर, पोखरा, जलवान, सरसी, तरांग, पद्याकर, हृदय, कसार, पल्लव, पुष्करण, सरस, सरस्वत, सत्र, सारंग, तल, ताल, पुष्करणी, छ, दह, वापिका, वापी, मानस, मानसरोवर, गढ़ही, जोहड़, तलैया, स्फोरा, परी, बावड़ी। पर्यायवाची दृश्य एक समूह अशुद्ध पहचानी, तो यामिनी, त्रियामागा, विभावरी, केकी, सिखी, सारंग, मधुकर, मिलिंद, द्विरेफ, आशुतोष, चक्रपाणी, दिवाकर। तो आशुतोष शिव का पर्यायवाची, चक्रपाणी विष्णु का है, दिवाकर सूर्य का है। यामिनी, त्रियामा, विभावरी रात का है, केकी, सिखी, सारंग, मोर का है, मधुकर, मिलिंद, द्विरेफ, भौरा का है। और पृथ्वी का उपयुक्त पर्यायवाची है, पृथ्वी का इला होता है। इला पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची मेदिनी, मही, रसा, धरा, विकेशी, रसुंधरा, अवनी आदि है। लक्ष्मी के कमला, सिंधु सुता, रमा, इंद्रिया, रहरी प्रिया, चंचला, चपला, विष्णु लब्भा,
श्री पद्मा पद्मासना शिरोदयत नयता और लोक माता भर्गवी इंदिरा समुद्र जा विष्णुप्रिया कमलासना और कमलालया पद्व्यानना सरोदा और विष्णुलभा और सिंधुजा और पद्मासन और शिरोद तनया शिरोद है। पुष्पकल के अनेक पर्यवाची स्वर्ण है पर्यात है। रात्रि का है निशी रहन सर्वरी निशीद निशी थीनी त्रिसभा यामिनी छड़धा विभावरी विभारजी विभावरी रजनी राका छपा छपा निशी कादम्बरी छड़दा सीता कोटर छया दोसा असुर है। पर्यवाची की दृष्टि असुमिल तो पहचानी तो बादल का हो जाएगा नीरज पयो द्वारित कामदेव का मदन मनमत मसनसी आकाश का अब्र फलक सोने होगा अग्नि का अनिल जातवेद ओटवी होगा। तो अशुद्ध है अनिल का वायु का जातवेद अग्नि का है अटवी जंगल का है। पर्याय की दृष्टि निम्नलिखित में से विषम की पहचानी हेरम दैमातुर विबुध और मोदक प्रिय तो ये विबुध होगा। विबुध जो होता है वो देव विबुध ब्राह्मण का जबकि शेष गणेश के पर्यायवाची हैं। देवता का हो जाएगा सूर अजर अमर देव विबुध गिवार्ध निर्जन वसु आदित्य लेख विदार अजय मना अमर त्रिदस ऋषभ सुपर्वा दिदिवेश त्रिवौकस आदित्य अपर है अपहर्य। हंस का पर्याय है वारण तृणजीवी द्विरज और कारकंड तो कारकंड है। कारकंड हंस का पर्यायवाची हंस के अन्य पर्यायवाची है मराल कलहंस मुक्तभूक कलकंठ चक्रांग आदि। वारण हाथी का है तनुजीवी हरिण का है द्विरज हाथी का है। पर्यायवाची की दृष्टि कौन सा एक युग्म सही नहीं है सिंह का पंचसिक है सेना का चमो शेषनाग का दीप्त पिंगल है सांप का फड़ी है तो शेषनाग ये गलत है। तो दीप्ति पिंगल शेर का पर्यायवाची ना कि शेषनाग का है। शेषनाग के पर्यायवाची भुजंग ब्याल उरड़ नाग पन्नग फड़ीस आदि। बादल शब्द का पर्यायवाची तुहीन बलाहक नीहर और शेन तो बलाहक है बादल के बलाहक है। बलाहक बादल का पर्यायवाची अब्र मेघ घर जलद वारिधर जलंधर तथा बलाधर आदि बादल के पर्यायवाची हैं। तुहीन पाला का निहार कुहासा का बर्फ तथा सेन शिकारी पक्षी का पर्यायवाची है। त्रोड़ व निसंग किसका पर्यायवाची है तो है तर्कस का। त्रोड़ व निसंग दोनों ही तर्कस के पर्यायवाची हैं। तर्कस के अन्य पर्यायवाची हैं त्रोड़ त्रुडीर त्रुडीर त्रोड़ त्रिसंग इसुधी। किस वर्ग में सभी नारी के पर्यायवाची हैं तो भावा प्रमदा बारा ये नारी के हैं तो सभी नारी के हैं। और ए में जो है ये पार्वती के हैं। अपर्णा पार्वती का कामनी औरत का रिच भालू का है। और रम्बी वाले में देखेंगे रमड़ी नारी का होता है सौरंधी द्रौपदी का है सिंधुजा लक्ष्मी का है। धात्री जननी माता का होता है त्रिपदा सरस्वती का है। शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन कीजिए तो शुद्ध पर्यायवाची सभी वर्ग शुद्ध है मतलब तुरोंगी तरड़ी जलपात्र तनुजा दुहिता सुता पयोद्वारिद नीरद तो ये है टोंगी तारड़ी तलपत्र नौका का है तनुजा दुहिता सुता पुत्री का है पयोद्वारिद नीरद मेघ का है। और निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक भिन्न है वित्त विभूति द्रव्य गाच गाच भिन्न है। वित्त विभूति द्रव दौलत संपत्ति धन संपदा ये सभी आपस में पर्यायवाची हैं जबकि गाच वृक्ष का पर्यायवाची है। 78 है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग शुद्ध है तो अक्षर वर्ण शिव ब्रह्म ये शुद्ध है। तो अक्षर जो है हरफ ब्रह्म आदि अवर्ण अविनाशी हरि मोच शिव स्नित्य अनंत अविश्वर है। अग्नि का धूम केतु कृषाणु अनल है। इच्छा का स्पृहा कामना अभिलाषा है। देवता का त्रिदस निर्जन निर्जर सूर्य है। यातुधान का असुर है। वासव का इंद्र है। विचर छड़ का पंडित है। बिडौल किसका पर्यायवाची चंदन का इंद्र का अर्जुन का हाथी का तो है इंद्र का बिडौला। इंद्र के अन्य पर्यायवाची उर्वशीनाथ सुनारशीर वज्री बित्रहा नागपति सलस्त्राक्ष सक्र सुरपति देवराज पुरंदर सचिपति अमरपति देवी सुरेश मधवा मरेश पुरहूत और विबुधेश वज्रधर वासव मेघपति सुरेंद्र सहस्राक्ष विष्णु मधुवन बिडौजा उपेंद्र पाक शासक निर्जरपति और महेंद्र पृषा कौशिक पकरीशु सुत्रामन और सुनासीर और सतमन्यु। ध्रुवनंदा किसका पर्यायवाची नहीं है यामिनी का जाह्नवी देवपगा मंदाकिनी का है। तो यामिनी श्राद्ध का पर्यायवाची जबकि पंगंगा पर्यायवाची शब्द है जाह्नवी गंगा का है जाह्नवी देवपगा मंदाकिनी त्रिपथगा और विष्णुपदी और भागीरथी ध्रुवनंदा और सुरसरी इत्यादि है किसके गंगा के। वित्रिहा किसके पर्यायवाची वित्रिया सचिपति के वित्रिहा सचिपति का पर्यायवाची तथा ये दोनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र है उर्वशीनाथ सुनाथ इसके पर दिखाया गया है। गुड़ा किस किसका पर्यायवाची है तो अर्जुन का है।
और अर्जुन के अन्य प्रवचन धनंजय पार्थ कौंतेय कुंती सुत पंडु नंदन गुडाकेश गांडीव धारी किरीट श्वेत वाहन विभु सूरजई और सव्यसाची और कपी ध्वज और सव्यसाची धनुर्धर। निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? अब्रे अनंत गौ अंबक। अंबक जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है, अंबक आग का पर्यायवाची है। अन्य सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। आग के अन्य पर्यायवाची नेत्र नयन चक्षु दृग लोचन अच्छी नजर दृष्टि विलोचन अंबक। और आकाश का है गगन अंबर नभ व्योम अनंत पुष्कर अंतरिक्ष बीज शून्य खे खनवास खगेल तारापथ आसमान दिव शून्यता धौ देवपथ तारापथ दुष्कर महानीज अशून्य रव असुख सुखृत्य। कहाँ कर रहा हो? तो चलिए आगे काम करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वाची गलत हुतान आग का है, सही है अभ्यागत भगवान का है। तो अभ्यागत भगवान का नहीं, अभ्यागत अतिथि का पर्यायवाची है, बाकी सब सही है। अगला है खटपद द्विरेप चंचरी सिरिमुख इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं? ओह माय गॉड। तो ठीक है ये है भृंग के, ठीक है। और निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा वर्ग शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध है नाराज ईसु हिसीक। तो ये है उदक सलील पान विभू का विष्णु है का का पिसून कौवा है कमलेश का ऊंट है उरग फड़िस का सांप है परेव का कबूतर है परेवा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित का पर्यायवाची नहीं है? तो गजवंद हेरंब महाकाय गजकाय नहीं है। तो याद कर लीजिए मिलता जुलता है तो आप सोच लेंगे गणेश का है। तो गज बदन हेरंब महाकाय माँ भवानी नंदन इत्यादि गणेश पर्यायवाची, गजकाय गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो गजानन हेरंब एकदंत विनायक दामोदर गणपति गणाधीप विघ्नराज गणपति जयमा सूर्य सब हैं गणेश के। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची है? तो मकर ध्वज जनमनमत पंचसर सभी के सभी हैं कामदेव के। कामदेव के अनंग है कदर्प है मदन है मन्मथ है अदे है रप्तिपति है मयंत है, ये सब आपको पहले बताए गए हैं। सूची एक सूची दो से मिलान करना है। दुखी का क्या होगा? दुखी का हो जाएगा अर्थ संतन और होशियार का हो जाएगा होशियार का हो जाएगा होशियार का होगा निष्णात पटु और अपमान का हो जाएगा अपमान का प्रभाव अवहेलना अधीनस्थ का मतहत अवर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो होशियार का निष्णात पट होगा अपमान का परिभव अवहेलना होगा अधीनस्थ का मतहत अवर होगा। आभूषण का अलंकार भूषण गहना जेवर होगा। आकाश का अंबर गगन व्योम अनंग होगा। उठाव का उत्क्रमण आरोह उत्कर्ष होगा। कूटनीति का होगा छलबल धात चाल कूट युक्ति। चटुकारी का होगा खुशामत चापलूसी चमचागिरी मिथ्या प्रशंसा। तनिक का होगा थोड़ा जरा लेस मात्र किंचित। दया का करुणा अनुकंपा तरस रहम होगा। निरपेक्ष का अलग बेलाग उदासीन तटस्थ होगा। परोच का अप्रत्यक्ष ओझल अगोचर गौर गुप्त होगा। भंगुर का भग्नशील नस्वर क्षणभंगुर क्षणिक होगा। मदिरा का पर्यायवाची होगा मध्विजा आसद मध्वाक। तो सभी के सभी होंगे। और ये दारू शराब सुरा मध्य मधु वाडिनी कादम्बरी माधव हाल भद्विजा माधवाका माधवासव सोम मध ये सब हैं शराब के। किन्नरेश अक्षराज धना धनाधीप किसके पर्यायवाची हैं? तो वह हैं कुबेर के। कुबेर के अन्य पर्यायवाची हैं यक्षराज धनेश धनेश्वर किन्नरेश धनाधीप और जयानेश्वर यक्षपति जाजराज धन धनद धनपति अलंकेश धनपाद धनपाल अर्थपति अलकाधीप इंद्रनिधि ईश सखा एक कुंडल किन्नराज और कैलाशनाथ और कोसनायक और निशीनाथ। और हाथी के पर्यायवाची के संबंध कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो है नागाधिराज हिमवान और गिरिराज। नागाधिराज हिमवान गिरिराज हिमालय के पर्यायवाची से हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। मराल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो तृणजीवी। तो महाराज का पर्यायवाची शब्द चक्रंग सूर्य कलकंठ मौन शोक सिप पच कारंडव हंस जीवी के पर्यायवाची है शब्द हिरडर सारंग चमरी मृग कृष्णसार आदि हैं हंस के। सोना के पर्यायवाची के लिए निम्नलिखित कौन सा युग्म शुद्ध है? तो सुवर्ण चमु यह शुद्ध है हाटक हनक है चमी पर चमी का चमी कर चातुरूप कंचन हेम सही है। चमु जो है सेना कटक और सैन्य दल और फौज वाहिनी और अनेक आदि के हैं और सोना का पर्यायवाची शब्द है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध पर्यायवाची को दर्शाता है? तो हो जाएगा सहेली भट्ट सुषमा यह अशुद्ध है। सूर्य का तमरी भूषण सही है। सुंदरता का लवड़ कमनीयता ये सही है। सुगंध का रुचिर मंजुल सही है।
सुषमा सुंदरता का पर्यायवाची, सहेली का पर्यायवाची है अली, भट्टू संगिनी, सहचारिणी, आली सखी, सहचरी, सजनी, सरंद्री आदि से इस युग्म सही है। सांप के पर्यायवाची शब्द में कौन सा एक विकल्प अशुद्ध है? तो हो जाएंगे नाहर का बाद। तो नाहर, मृगेंद्र, हरियच्छ, पारेंद्र, श्वेत पिंगल, शार्दुल, केसरी, मृगपति, भीम, विक्रम, केसी, मृगारी, काव्याद, नदी, विक्रांत, दीप्त, पिंगल, पुंडरीक, पंचानन, सिंह के पर्यायवाची शब्द है। शेष विकल्प सांप के पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द नहीं है। विमला, निधात्री, श्रीपदा, वारिषा, बारिश जो है समुद्र का पर्यायवाची, से सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। शिशिर का पर्यायवाची नहीं है। शीतकाल, सर्दी, ठंडी, बालक, तो शिशिर जो है बालक का नहीं है, शिशु होता है, शिशु शिशु है। शेष शरीर का शिशिर का पर्यायवाची शब्द है शिशु। बालक का पर्यायवाची शब्द शिशु होता है। शेष जो होता है शरीर का, शिशिर का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संध्या का पर्यायवाची नहीं है? गोमदी, निर्सारण, सायम, निदांत और प्रद्योदन सप्तास। तो प्रद्योदन सप्तास सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। शेष युग्म संध्या के पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो काशीवास और पंचत्व नहीं है। काशीवास, पंचत्व, गंगालाब, निर्वाण, मरण, देहांत आदि मृत्यु के पर्यायवाची हैं। शेष युग्म शिव के पर्यायवाची हैं। तो पंचत्व, गंगालाब, ये सब क्या है? मृत्यु के हैं। ठीक है, खत्म होता है यहाँ पर। नेक्स्ट में हम करेंगे टेस्ट, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो तक जय हिंद, जय भारत।